हेलो एवरीवन, आज हम आपको 10 मिनट से भी कम समय में सिखाने जा रहे हैं गो कार्ट का फ्रेम डिजाइन करना। तो बने रहे हमारे साथ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे लाइन, लाइन के बाद सेलेक्ट करेंगे प्लेन, फ्रंट प्लेन हमने ले लिया, अब ड्रॉ करना शुरू करेंगे। 10 मिनट से भी कम सेकंड में आप सीख जाएंगे कि आपको गो कार्ट का फ्रेम किस तरीके से डिजाइन करना। इतना करने के बाद लाइन कमांड की हेल्प से आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसका डायमेंशन असाइन कर दें, आपको आगे डिजाइन करने में बड़ी आसानी होगी। हमने इसको ले लिया 450 mm, अकॉर्डिंगली इसको भी ले लेते हैं हम लोग 200 mm, और ये वाला पार्ट को हम ले रहे हैं 150 mm। अब अपनी जरूरत के हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 250 mm इसको और इसको 150 mm ले लेते हैं। 150। साथ में एक चीज और करना मत भूलिए, इसके बीच का जो एंगल है वो भी डिफाइन कर दीजिए। मैं दे देता हूं 140 डिग्री, और ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। देखिए अभी 152 है, लेकिन हम इसे 140 कर देते हैं। तुम्हारा फ्रेम जो है बिल्कुल सीधा और अच्छा दिखेगा। अब इसके बाद क्या करना है, क्रैश टेस्ट एनालिसिस के लिए हम यहाँ पे एक बॉक्स लगा देते हैं, बीच में बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर बना देते हैं कि क्रैश टेस्ट में सेफ्टी जो है मिल जाएगी, ड्राइवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब हम आगे बढ़ाते हैं अपने डिजाइन को, सिंपल सिंपल। देखिए आप डॉटेड लाइन को फॉलो करेंगे तो स्ट्रक्चर थोड़ा परफेक्ट बनेगा। मेक श्योर कि आप ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, अभी तक सारा कुछ अच्छा है। और हम कुछ और बीच में लाइंस जो है ऐड कर देते हैं, कुछ और मेंबर्स ऐड कर देते हैं। एक मेंबर और बीच में हम ऐड कर देते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट्स के लिए अच्छा हो जाएगा। और साथ में अगर आप इलेक्ट्रिक कार डिजाइन कर रहे हैं तो बैटरी और मोटर का भी अरेंजमेंट आप इस हिसाब से फिट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आप रियर बम्पर डिजाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ से हम आपको रियर बम्पर आप यहाँ से डिजाइन कर लीजिए, रख लीजिए। एक बैंड यहाँ पे आवश्यक है आपके बॉडी की सेफ्टी के लिए रियर एंड से। ठीक है, अब आप वापस से डायमेंशन दे सकते हैं इन सबको। इसको हम 450 रखते हैं, ये ऑटोमेटिकली 450 नहीं भी है तो हम इसको कर लेंगे। अब एंगल अपने आप दुरुस्त हो गया होगा, वहां जाने की जरूरत नहीं है। हम इसको जो है 960 दे देते हैं, ये अपने आप देखेंगे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साइड का ही है। ये दोनों साइड से डिफाइन कर दिया तो ऑलरेडी डिफाइन है, बीच के मेंबर्स को हम तो डिफाइन कर देते हैं। इसको 285 रख देते हैं, ये भी 185 हो गया क्या? अगर आप 285 करना चाहते हैं तो चेंज कर लीजिए, हम इसको 285 ही करेंगे। ये अपने आप 285 हो जाएगा, हम इसको डिफाइन कर देते हैं। इसको हम रखेंगे 200 mm, ये रखोगे इसको भी आपको 200 mm करना पड़ेगा, इसको हम 200 mm कर देते हैं। और ये वाले मेंबर को हम 800 कंप्लीट कर दे तो ठीक रहेगा। इसको हम कर देते हैं 200 mm, थोड़ा वाइड रहेगा, अच्छा है। इसको भी 200 mm रख देते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा फ्रेंड यहाँ तक बिल्कुल रेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो इसके इसके बीच का एंगल भी थोड़ा करेक्ट कर सकते हैं। स्मार्ट डायमेंशन पे वापस से मैं गया,
इसके इसके बीच का एंगल हमें करेक्ट करना है, ये और ये लाइन। तो यहाँ पर भी आप 150 दे ही दीजिए, 140 जो आपने पहले दे रखा है, और थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं व्यू को, इसको भी हम 140 दे देते हैं। दोनों साइड हमारा एंगल जो बेंड है वो करेक्ट हो गया। अभी अगर आप चाहते हैं तो साइड से भी एक बम्पर लगा सकते हैं इस साइड, जो कि एसेंशियल होता है साइड इंपैक्ट को रोकने के लिए। यहां से हम यहां तक कर देते हैं इसको, क्योंकि बीच में आप व्हील भी लगाओगे तो ज्यादा पीछे लेके जाने की जरूरत नहीं है। और एक सिंपल लाइन यहां से भी ले आते हैं, ठीक है। अभी हम इसे भी डिफाइन कर देते हैं स्मार्ट डायमेंशन में जाके, उसने ऑलरेडी डिफाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। ये मेंबर 328 है, इसको हम 330 कर देते हैं, और ये भी मेंबर 330 कर देते हैं, 330, ठीक है। ये अपने आप डिफाइंड हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, 330 के बाद देखेंगे तो। और ठीक है, एवरीथिंग ऑलमोस्ट डन। अब हम करेंगे यहाँ सिर्फ एग्जिट करेंगे, और देखो दोस्तों हम जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट में हम बिल्डामेंट्स में जाएंगे, बिल्डामेंट्स लिया हमने, वापस से इंसर्ट में जा रहे हैं हम, स्ट्रक्चरल मेंबर लिया। अब हमें इसे स्ट्रक्चर, देखो स्टैंडर्ड पूछ रहा है, आईएसओ है, आईएसओ रखिए। पाइप हमें लेना है, बिल्कुल पाइप ही बनाना है, और 26 का डायमेंशन हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ग्रुप है, ग्रुप असाइन करते हैं, एक साथ हम लोग एक तरह के मेंबर्स को सिलेक्ट करते जाएंगे। अब ये किसी और को सिलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, हम यहाँ पे कर लिया। अब ये वाला उठा लेते हैं, ये पूरा फ्रेम को आउटर बॉडी को सिलेक्ट कर सकते हैं हम, इससे हमने कर लिया। एक और ग्रुप क्रिएट कर देते हैं, जो बीच में मेंबर्स हैं ये इनको हम असाइन कर देते हैं, ये वाले भी हम लोग ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, और ये वाले। अब हम एक ग्रुप और क्रिएट कर लेते हैं इसके लिए, देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है, ये वाला भी ले लेते हैं। यहाँ पे अभी हमें शायद दो ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, एक इसके लिए, ये सेम इसको नहीं कर पाएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए तो हम एक नया ग्रुप ले लेंगे, 6 ग्रुप में हमने पूरा कर दिया। अभी हमारा फ्रेम जो है लगभग बन के रेडी हो गया है, आप एक्साइट होंगे देखने के लिए कि ये कैसा दिखता है बनने के बाद, बिल्डामेंट्स के बाद। तो हम यहां से करेंगे ओके, आप देखिए ये आपका फ्रेम बनकर तैयार हो गया पूरी तरह से। दोस्तों अगर ये आपको मेथड अच्छा लगा हो, आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपको अगर किसी फ्रेम को बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, या किसी डिफरेंट टाइप का फ्रेम अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम आपके लिए एक दूसरी वीडियो भी जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।